एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो टाइटल से देखिए आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरे टॉप फेवरेट प्रोडक्ट्स आइकिया से जो मैंने परचेस किया है। अगर आप मुझे काफ़ी पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने सुना होगा मेरे मुँह से कि मैं काफ़ी बार ऐसे बोलती हूँ कि आइकिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। डेफिनेटली अभी भी आई एम स्टिक टू दैट थिंग कि मुझे ऐसा लगता है जो हैवी फर्नीचर होता है ना, मतलब क्योंकि उनका जो मटेरियल वो लोग यूज़ करते हैं, दे यूज़ टिपिकल जो भूसा प्लाई जिसको मैं हिंदी में बोलूँ ना, वो लोग वो यूज़ करते हैं। दे डोंट यूज़ सॉलिड वुड। सॉलिड वुड का भी उनका फर्नीचर होता है कुछ, जैसा आप जितना मुझे पता है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में वो प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जिन प्रोडक्ट्स को मैंने शायद लास्ट ईयर लिया था और अभी एक साल से वो बढ़िया चल रहे हैं। अगर हम मटेरियल की बात छोड़ दें, फिनिशिंग और प्राइस की बात करें तो टॉप नॉच है। थोड़ा सा आप इनको ध्यान से आपको यूज़ करेंगे ना अगर, तो आपको ये काफ़ी लॉन्ग रन तक चलते हैं। सो यस, ये जो वीडियो है ये टू पार्ट्स में रहने वाला है। अभी जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, इसमें मैं आपको 5 to 6 प्रोडक्ट्स ऐसे बताऊंगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दोज प्रोडक्ट्स। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, उनकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपकी सिटी में आइकिया नहीं है तो मैं अमेजन पे जो लिंक होती है ना वो वाली लिंक भी डाल दूंगी, तो इन केस अगर आपको परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, मतलब आप जब मेरे डे टू डे लाइफ के ब्लॉग्स देखते हो, आप मुझे जब सनस्क्रीन लगाते हुए देखते हो, आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आप कौन सा सनस्क्रीन यूज कर रहे हो। ये सनस्क्रीन मेरा एक बीबी क्रीम का काम भी कर देता है, इसके अलावा मुझे और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करने वाली हूँ। मैंने कुछ मंथ पहले भी इसके बारे में शेयर किया था, तब से लेके आज तक मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ एंड दिस बिकम्स माय फेवरेट सनस्क्रीन रेजिमे। तो जो कॉम्बिनेशन मैं अभी फिलहाल यूज कर रही हूँ वो है ये 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन सीरम। एक लाइटवेट सीरम है दैट लीव्स नो व्हाइट कास्ट एंड साथ ही प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से। हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनमाइड इसके अंदर मिला हुआ है जो कि आपकी स्किन को एक अल्टीमेट ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को ड्यूई रखता है एंड साथ ही साथ इवन स्किन टोन करता है। तो आपको इसको लगाना कैसे, अपने फेस एंड नेक पे लगाना है 15 मिनट पहले जब आप सन में बाहर जा रहे हैं एंड आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हैं। मैं तो अगर घर के अंदर भी होती हूँ तो भी मैं इसको यूज करती हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऊपर फिर मैं लगाती हूँ ये 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल। दिस इज अमेजिंग, मतलब अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर SPF 60 है, PA PPPLUS पावर पैक विद 26% जिंक एंड 10% टाइटेनियम ऑक्साइड। ये आपकी स्किन को एक यूनिवर्सल टिंट देता है, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्शन के हैं आपके ऊपर ये 100% सूट होने वाला है। इसके अंदर जो 1% हाइलुरोनिक एसिड है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन को रेडिएंट रखता है। द फिजिकल सनस्क्रीन विच मेक्स इट सुपर सेफ स्पेशली फॉर द पीपल विद सेंसिटिव स्किन। इसको आपको लगाना कैसे, अगेन आप बाहर सनलाइट में जा रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट पहले इसको लगा लें अपनी स्किन पे एंड हर 3 से 4 घंटे में आप रीअप्लाई कर सकते हैं। करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। तो आई हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज मैं इसको 2 मंथ से यूज करती आ रही हूँ, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट द डर्माको की वेबसाइट पे। तो आप जब भी डर्माको के प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे डर्माको की वेबसाइट से, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। इसके पीछे का पर्पस ये है, दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000+ स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। बहुत अच्छा कॉज है, अपार्ट फ्रॉम द कॉज ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। तो अब चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रोडक्ट। माई फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस चेयर जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। दो मुझे इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लिए हुए, सिर्फ 2 मंथ्स ही हुए हैं। कितने दिन चलने वाली है ये आई रियली डोंट नो, लेकिन आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। मतलब एक्सेंट चेयर जो होते हैं ना, जो विंग हाई बैक चेयर होते हैं, ये यूजली इनका प्राइस स्टार्ट होता है 19,000-20,000 से अगर आप अच्छे मटीरियल में लेने के लिए जाओ तो। और फिर अगर आप कम प्राइस में लेने आते हो तो आपको फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, किसी ना किसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट दिस चेयर जो मैंने ये खरीदी थी 15,000 रुपये में, 15,590 ऐसे कुछ की थी ये, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। फिर इसका जो फैब्रिक यूज़ किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बैठने में कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की चीज़ों में कि आपका कंफर्ट होना चाहिए। तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, जो भी यहाँ पर आकर आता है ना वो इस चेयर पर बैठ के उसको मज़ा आ जाता है, मतलब वो फिर उठता नहीं है। तो इस चेयर पर बैठने के लिए लड़ाई होती है कि भाई हम बैठेंगे, इट्स दैट कंफर्टेबल। बहुत मज़ा आता है मुझे इस चेयर पर बैठने में। सो दिस इज़ माई फर्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट। उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है हमारा डाइनिंग टेबल। सो दिस इज द 4-सीटर डाइनिंग टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये बहुत सस्ता था, 17,000 रुपये में मैंने ये विथ चेयर डाइनिंग टेबल लिया है। उसके बाद मुझे इसका टॉप बॉटम चेयर सब कुछ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं स्टिल श्योर नहीं थी कि ये कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। अब जैसे जब हम इसको भोपाल लेकर के गए थे ना, हमारे पापा लोग इसकी चेयर में बैठने में थोड़ा डरते थे, उनको लगता
करा क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट सी चेयर है ये, बट मुझे नहीं लगता कि अगर वो बैठ भी जाएंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी. डाइनिंग टेबल इज वेरी वेरी गुड फॉर कॉम्पैक्ट होम, लाइक मुंबई के घरों के लिए ये बहुत परफेक्ट है. ना ज़्यादा जगह लेता है, मिनिमल लगता है, क्लासी लगता है और छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब आपका पर्पज सॉल्व कर देता है इन शॉर्ट बोलूँ तो. सो आई रियली लाइक दिस डाइनिंग टेबल एज वेल. अब आते हैं थर्ड प्रोडक्ट पे. तो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो मुझे इसका जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. सो दिस चेस्ट ऑफ ड्रॉर अगेन मैंने लास्ट ईयर परचेस किया था और हम लोग जब भोपाल चले गए थे, भोपाल में मूव हो गए तब हमने इसको असेंबल किया था. तो डेफिनेटली क्वालिटी बहुत टॉप नॉच नहीं है बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा ये ऐसे हिलता ढुलता है, जैसे अभी हमने उसके ऊपर मंदिर रख के रखा हुआ है. तो जब आप उसको दीवार से चिपका करके रख देते हो ना तो इतना ज़्यादा फ्लिम्जी आपको फील नहीं होता है. मतलब अभी हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भर करके रखी हुई है. जो ड्रॉर है उसमें हमने लिटरली आयरन का सामान रख के रखा हुआ है, लाइक हथौड़ी वथौड़ी ड्रिल व्रिल ये सारी चीज़ें रख के रखी हुई हैं. साल होने वाला है यूज़ करते करते भी, अगस्त में, हाँ अगस्त में इसको एक साल हो जाएगा. तो मुझे काफ़ी ठीक लगा बिकॉज हमने इसको एज इट इज़ इंटैक्ट में हमने शिफ्टिंग भी करी है तो मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी. इसके जो वो है नट्स वगैरह वो भी लूज़ नहीं हुए, ये हम लोगों ने ही असेंबल किया था. अगर आपको कोई नया स्टोरेज ऐड करना है कम बजट में तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं. दिखने में बड़ा प्यारा लगता है, स्लीक सा है और छोटी सी जगह में आ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. सो दिस इज़ माय नेक्स्ट प्रोडक्ट. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, इज दिस मिरर. तो मुझे मिरर्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है. मैं बहुत कॉन्टेम्प्लेट कर रही थी कि मुझे परचेस करना है कि नहीं करना है. लिविंग रूम टूर के लास्ट मोमेंट पे मैंने ये मिरर मंगवाया था एंड काफ़ी दिन से मैं देख तो रही थी बट मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे कितना बड़ा मिरर चाहिए, कितना क्या एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें चाहिए. तभी मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, बहुत स्लीक सा, बहुत प्यारा सा है. मैं बहुत सारे टाइप आते हैं आईकिया पे, एक वो स्टैंड वाला आता है आयरन के स्टैंड वाला, मैंने पर्पसली वो इसलिए नहीं मंगवाया क्योंकि वो बहुत जगह ले लेता है. ये इसमें आपका बेनिफिट ये है कि मैं इसको हैंग भी कर सकती हूँ वॉल पे और इसको मैं रख भी सकती हूँ आराम से. तो अभी तक तो मैंने इसको रख ही रखा है, ये साइड में रखा हुआ है और इसके लिए जगह भी हमने बना करके रखी है हैंग करने वाली. तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये हमारे बैल्कनी का स्टोरेज प्रोडक्ट है. वैसे ये बैल्कनी स्टोरेज प्रोडक्ट नहीं है, ये बाथरूम स्टोरेज प्रोडक्ट है. अब वही आप मल्टीपर्पज अपना दिमाग चला करके कोई सी भी चीज़ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. तो मैंने सोचा अगर ये बाथरूम में यूज़ हो सकता है, फुल्ली पानी में यूज़ हो सकता है, तो ये बैल्कनी में तो 100% यूज़ हो ही हो सकता है. सो दिस इज़ एन अमेजिंग रैक जो कि बहुत सस्ते प्राइस में मिली है, मतलब बाकी वेबसाइट्स पे बाकी कहीं पर भी इतने कम प्राइस में नहीं मिलती. तो मुझे ये एकदम परफेक्ट, मतलब मैं पहले साइजेस मेजर कर रही थी अपनी जगह घर के, उसके हिसाब से ही मैंने चीज़ें मंगवाई हैं. तो ये एकदम परफेक्ट जगह पर मेरे यहाँ बैल्कनी में आ गई है एंड इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स आ जाते हैं. तो वैसे ये बाथरूम स्टोरेज है, आपके बाथरूम में अगर स्पेस है इस तरीके का तो आप बाथरूम में भी रख सकते हो. तो अभी की जो बारिश है उस, मतलब कोई टेंशन नहीं है, रस्ट वस्ट उसमें कुछ नहीं लगी है. अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे. तो ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, दिस इज़ दी वॉल शेल्व्स. तो हमने जो कारपेंटरी वर्क करवाया है ना, तो एक वॉल शेल्फ जब हम उनसे पूछ रहे थे कि कितने में आप बना के देंगे, क्योंकि वो तो सॉलिड वुड जो अच्छी प्लाई होती है उसमें बना के दे रहे थे, तो उसमें हमको इतनी थिक वाली जो वॉल शेल्फ होती है वो कम से कम 4,000 से 5,000 रुपये में पड़ रही थी. तो जब उन्होंने मुझे इसका प्राइस बताया तो आई वॉज लाइक भैया रुक जाओ, मैं ऑनलाइन या होम सेंटर से परचेस कर लूँगी. मैट फिनिश की है जो आइकिया से लिए. तो इस तरीके की वॉल शेल्फ हमने 3 यूज़ करी है. लाइट वगैरह है वो फिट करा हुआ है. तो ये जो लाइट्स है ये वायर वाली लाइट्स है. अंदर ये जो लाइट्स, ये जो वॉल शेल्फ होती है ना, ये पूरी हॉलो होती है, मतलब पोली होती है, अंदर कुछ होता नहीं है क्योंकि भूसा अप्लाई होता है. तो आराम से जो वायरिंग है वो बहुत अच्छे से फिट विट होकर, आप इलेक्ट्रिशियन को समझाएंगे ना, आपका इलेक्ट्रिशियन भी तगड़ा होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत दिमाग लगा करके इलेक्ट्रिशियन को विक्की ने पूरा गाइड कर करके कि यहाँ से वायर निकालो, अब यहाँ से निकालो, अब ऐसे करो, वैसे करो, वैसे समझा करके लाइट्स लगवाई है. तो हमने ये लाइट लगवाई है एंड थैंकफुली वो फटी नहीं. जनरली इस तरीके की मटेरियल पर आप ड्रिल करते हो ना तो वो फट जाता है. तो वो हमने बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें. बहुत सारे लोग कॉमेंट में पूछते हैं कि आपने इसमें लाइट्स कैसे चिपकाई हैं. ये चिपकाई नहीं गाइज, ये फिट करिए उसमें. सो ये वॉल शेल्स है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है. सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. पार्ट 2 जो है वो लेकर के आऊंगी, उसमें आपको बाकी के प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी. आपको वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.